मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी के सार गर्भित काव्य। किस वजह से आती है वस्तु में ये भंगुरता, और किस जगह से आती है वस्तु में ये संगुरता, कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। किस वजह से आती है वस्तु में यह है भंगुरता, और किस वजह जगह से आती है वस्तु में यह है संगुरता, कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता? कोई भी वस्तु है उसमें भंगुरता मतलब नाश होना, भंग हो जाना, उस वस्तु का नाश हो जाना। किस जगह से आती है वस्तु की यह है संगुरता? आप देखो कोई भी वस्तु होगी जब वह शुद्ध अवस्था में आ जाएगी, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये शुद्ध है। शुद्ध अवस्था में आते ही एक दूसरे से भिड़ंत नहीं है, उसमें सब समाहित हो जाते हैं, अवगाहन की शक्ति है। लेकिन अशुद्ध अवस्था में आते ही इसमें संकीर्णता आ जाती है, नैरो माइंडेड है ना। तो अशुद्धता में आप अपने दिमाग को छोटा क्यों करते हो? क्या आप भी अशुद्ध हैं क्या? इसलिए अपने दिमाग को बड़ा रखें तो निश्चित रूप से हमारी वक्षण भंगुरता और संगुरता दोनों दूर, संकीर्णता दूर हो जाएगी। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। बहुत सुंदर कि आपके भीतर जो यहाँ सब बैठे हैं सबके भीतर वह ध्रुवता है, आप भी परमात्मा बन सकते हैं, बस पहचानने की जरूरत है। सहज है, स्वाभाविक है, उसको कहीं बाहर से लाना नहीं है, मैं डाल भी नहीं सकता हूं। ये भ्रम होता है कि कोई सामने टीचर है और वो बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ा कुछ नहीं रहा है, उसके भीतर में कभी ज्ञान ठूसा नहीं जाता। ज्ञान तो हमारे भीतर है लेकिन उसको उद्घाटित किया जाता है। क्या बोला मैंने? उद्घाटित किया जाता है। मूक माटी व्याख्याकार तरुणाई के प्रखर वक्ता आचार्य श्री के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज। मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी।